बिहार के दरभंगा की ये घटना सुर्खियों में है। मेरे साथ मौजूद है राजधन देवी का बड़ा लड़का बिक्की। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है और या क्या कहना चाह रहे हैं। सर, मेरा मैटर ये है सर कि बरसों से सर हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अभी सर कुछ मुसलमान लोग के द्वारा मेरे घर पे जबरन कब्जा किया जा रहा है और सर हमको प्रेशराइज किया जा रहा है कि कैसे भी यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाए। मोहम्मद गुड्डू ने बोला है, लड्डू ने बोला है, यही पांचों भाई है। क्या कहा है उन लोगों ने? उन लोगों ने बोला यहाँ पे रहना है तो मुसलमान बन के रहो, नहीं तो नहीं रहने देंगे। यानी कि हमको इस तरीके से प्रेशराइज कर रहा है कि सर धर्म परिवर्तन करने पे अपार्जनिक शब्द सर कुछ भी थाली में करके हमारे घर में फेंक दिया जाता है। देखते ही देखते कई राइट विंग यूजर्स और मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अक्सर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी शेयर करने वाले राइट विंग इन्फ्लुएंसर रोशन सिन्हा ने जी बिहार झारखंड की ये रिपोर्ट ट्वीट की और मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो किसी जगह पर बहुसंख्यक हो जाते हैं तो यही होता है। अक्सर फर्जी खबरें फैलाने वाले अकाउंट मेग अपडेट्स और कई और यूजर्स ने यही दावा किया। राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया, हिंदू पोस्ट, द न्यू इंडियन और आरएसएस की मुखपत्रिका ऑर्गेनाइजर ने ऐसे ही सांप्रदायिक एंगल के साथ रिपोर्ट्स पब्लिश की। वहीं जी बिहार झारखंड, न्यूज 18 बिहार, टाइम्स नाउ नव भारत ने भी अपने आर्टिकल्स में इस दावे को आगे बढ़ाया। ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए पाया कि ये मामला जमीनी विवाद का था, न कि धर्म परिवर्तन का। हमें दरभंगा पुलिस का ये ट्वीट मिला, इसमें प्रेस रिलीज में बताया गया है कि ये वायरल दावा अफवाह है और ये मामला जमीनी विवाद का था। इसमें ये भी बताया गया है कि मुरिया गांव की राजधन देवी और उनके बेटे विक्की कुमार के आवेदन पर जिला अधिकारी ने विवाद के बारे में जाँच की और ये सामने आया कि राजधन देवी अपने घर का दरवाजा और खिड़की उत्तर की ओर जहाँ पर सरकारी जमीन थी वहाँ पर खोलना चाहती थी, जो कि उनके पड़ोसी को पसंद नहीं था। ये विवाद आवेदक और आरोपी के घर के बीच में मौजूद खाली सरकारी जमीन को लेकर था। बाद में इस सरकारी जमीन का उपयोग एक सड़क के रूप में करने की बात तय हुई और दोनों पक्षों को जारी नियमों का उल्लंघन नहीं करने के लिए भी कहा गया। यूट्यूब चैनल न्यूज पोस्ट लाइव ने इस मामले के बारे में ये ग्राउंड रिपोर्ट पब्लिश की थी। क्या होता है? इतना गुस्से में कहा है, मतलब जो है बोल दीजिए। मैंने यह रिपोर्ट दे दी हुई है, हमको हिंदू मुस्लिम है यहाँ पर राइट नहीं है, ठीक है। कैसे भी राइट होता है ना, हम लोगों में एकता है, हम लोग को दुश्मनी नहीं है, मिलजुल के रह रहे हैं ना। वो लोग कभी वो लोगों का कोई आया हो या कोई आया हो कि कुछ करने के लिए ऐसा कुछ कभी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अभी जो आपके गांव को लेकर खबर चल रही है कि इस गांव में मुसलमान सब जो हिंदू को कहता है मुसलमान बन जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है कोई, गलत बात है। अच्छे से रह रहे हैं। भारत उदय समाचार की इस वीडियो रिपोर्ट में विक्की कुमार का ये बयान मौजूद है। आज सभी बड़े अधिकारी आए हुए थे, एसडीपीओ सदर, एसडीएम सदर, सभी लोग आए हुए थे, सीओ साहब थे, सभी के निगरानी में और समाज के कुछ बड़े लोग भी थे जो सबके निगरानी में आज मेरा मैटर क्लियर हो गया है। सर ने मेरा यानी कि जो भी मैटर था अतिक्रमण का मेरे निजी का, सर ने मामला क्लियर कर दिया। ऑल्ट न्यूज ने वहां के स्थानीय अकील अहमद से बात की। उन्होंने कहा कि वहां कई हिंदू परिवार रहते हैं। अकील ने बताया कि ये जमीन विवाद का मामला था और जिस मोहम्मद गुड्डू और मोहम्मद लड्डू के परिवार पर विक्की कुमार और राजधनी देवी ने आरोप लगाया है वो थोड़े दबंग किस्म के लोग हैं और उनके परिवार के बीच कई बार नोकझोंक हुई है, लेकिन इसमें धर्म परिवर्तन का कोई मामला नहीं है और न ही कोई आपत्तिजनक चीजें फेंकने का मामला है। अकील ने यह भी कहा कि विक्की ने मीडिया और बड़े अधिकारियों का ध्यान खींचने और उन पर दबाव बनाने के लिए ये बेबुनियाद दावे किए थे। ऑल्ट न्यूज ने विक्की से भी इस मामले में बात की। उन्होंने कहा कि ये जमीन का मैटर पहले से चल रहा था लेकिन कोई इस मामले को सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन नेशनल चैनल पर ये मामला आ जाने के बाद अधिकारी एक्टिव हो गए। विक्की ने धर्म परिवर्तन और अन्य सांप्रदायिक मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया और कहा कि पुलिस के बयान को ही सच माना जाए। यानी दरभंगा के जमीनी विवाद के मामले को बिना तहकीकात किए मीडिया संगठनों ने धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने की घटना बताया और साथ ही सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा गया। हालांकि मीडिया संगठन इस मामले को लेकर जांच कर सकते थे और एक सही खबर पब्लिश कर सकते थे।